देहरादून से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर विजिलेंस विभाग की कई जगह पर छापेमारी। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी। सीटीआर में घोटालों को लेकर विजिलेंस की छापेमारी। हरक सिंह रावत के बेटे की संपत्तियों पर छापेमारी। मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप में विजिलेंस की रेड और ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप में विजिलेंस की रेड देखने को मिली है। देहरादून से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर विजिलेंस विभाग की कई जगहों पर छापेमारी जारी है और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से उस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। विजिलेंस विभाग की यह छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सीटीआर में घोटालों को लेकर विजिलेंस की यह छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विजिलेंस विभाग की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सीटीआर में घोटालों को लेकर विजिलेंस की छापेमारी देखने को मिल रही है। हरक सिंह रावत के बेटे की संपत्तियों पर भी छापेमारी जारी है। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है, तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर, उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। कि इसमें अप्रत्याशित जैसा कुछ भी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है या भाजपा को छोड़ के दूसरे दल में चला जाता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है भाजपा के लिए। हरक सिंह रावत जी पिछले मंत्रिमंडल में लगातार जो है वरिष्ठ सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी में, तब हरक सिंह रावत जी के भ्रष्टाचार की याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आई? अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो हरक सिंह रावत जी का भ्रष्टाचार जो है उन्हें याद आ रहा है। जो दबाव की राजनीति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, वही दबाव की राजनीति देहरादून में खेल रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में चक्की पीसिंग करके जिनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, आपने देखा कि अगले दिन ही वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए और वहाँ जाकर के उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई जो है मंत्री बन गया, तो उनके भ्रष्टाचार धुल गए। ये वॉशिंग मशीन और ये वॉशिंग पाउडर भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। जो लोग भाजपा में चले जाते हैं वो बिल्कुल नील क्लीन हो जाते हैं और जो भाजपा में नहीं रहता वो भ्रष्टाचारी है और उसी के तहत जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, विजिलेंस विभाग की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखा जाए आज तकरीबन 3 घंटे से जो छापेमारी है वो उनके बेटे के कॉलेज पे चल रही है, जिसमें की सूचना मिलते ही जो पूर्व मंत्री है हरक सिंह रावत वहां पहुंचे। और ऐसे में जिस प्रकार से हरक सिंह रावत के ऊपर जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, आपको बता दें कि पिछले वर्ष पार्को रेंज घोटाले मामले में हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लगातार विजिलेंस की टीम कहीं ना कहीं कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए नजर आई, पूछताछ करते हुए नजर आई। और अब जिस तरीके से ये आज हरक सिंह रावत के ऊपर कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है, और आज जिस प्रकार से जो विकास नगर स्थित जो शंकरपुर में क्षेत्र में जो उनका मेडिकल कॉलेज उनके लड़के के नाम पे है, वहाँ विजिलेंस की टीम पहुंची और वहाँ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर हम देखें, अंदर जाने से सबको रोका गया है, यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका गया है, किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और ऐसे में जैसे ही सूचना मिली हरक सिंह रावत वहाँ पहुंचे और जिस प्रकार से अंदर जो टीम है विजिलेंस की वो एक एक पूछताछ कर रही है और जो जानकारियां मिल रही हैं, बताया जा रहा है, जो सूत्रों की तरफ से जानकारियां बताई जा रही हैं
कि जो जिस तरीके से पार्को रेंज में कई सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, जनरेटर लगाए गए थे तकरीबन 78 लाख रुपए के, जो जनरेटर इस कॉलेज में कहीं ना कहीं उस दौरान लगा दिया गया था जो कि पार्को रेंज के लिए खरीदा गया था, इसके अलावा कई सारी अनियमितताएं थी, चाहे वो वहां पे वनों की कटाई का मामला हो, कई सारे पेड़ काटे जाने की जो बातें उस समय पुख्ता हुई थी, कई सारे ऐसे निर्माण किए गए थे जो निर्माण हुए ही नहीं थे, कई सारे जो ऐसे आरोप हैं जिसको लेके लगातार पिछले एक सालों से जो कार्रवाई है मुकदमे के बाद की जा रही थी, और ऐसे में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में जो जनरेटर लगा है वो पार्को रेंज के लिए खरीदा गया था, तो कुल मिला के अगर देखें तो हरक सिंह रावत भाजपा की सरकार में जब कैबिनेट मंत्री थे, वन का दर्जा उनके पास था, तो ऐसे में कई सारे जो उस दौरान कामकाज हुए थे वन विभाग में, और ऐसे में पिछली बार जिस तरीके से कई सारे जो खुलासे हुए उसके बाद से मुकदमे दायर हुए संबंधित अधिकारियों से, पूछताछ हुई कर्मचारियों से, और ऐसे में एक एक कर जो आंच है वो हरक सिंह रावत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और साफ तौर पे कार्रवाई की जो तलवार है वो सीधे अब हरक सिंह रावत के ऊपर है, क्योंकि उनके बेटे के कॉलेज के अंदर आज जांच चल रही है, खुद हरक सिंह रावत तस्वीरों में देखा जा सकता है वहां मौजूद है, विजिलेंस की जो टीम है वो वहां मौजूद है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए कि जब हरक सिंह रावत भाजपा में थे तब का ये मामला है, और अब जिस तरीके से वो कांग्रेस के नेता हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में आज इस बात को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और कई तरीके के आरोप जो हैं विपक्ष की तरफ से सरकार पे लगाए गए हैं, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है राज्य के अंदर कि जिस तरीके से एक दबाव की जो राजनीति है इस कार्यवाही के जरिए किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा है साफ तौर पे देखा जाए एक बड़े घोटाले की तरफ पहले ही इशारा कर रहा था। ठीक है ज्ञानेंद्र, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सीटीआर में घोटाले को लेकर विजिलेंस विभाग की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।